नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तर्कम सदरियन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 26वें चैप्टर, जिसका शीर्षक है सेल्फ रिनाउंसिएशन। आइए देखें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। आज उनका पहला प्रश्न हम लेते हैं, अहंकार कहाँ से आता है? उत्तर में लेखक ने लिखा है, अहंकार एक मिस आइडेंटिफिकेशन है या गलत पहचान है। जैसे अब मान लीजिए कोई पार्टी में जाते हैं और बोतल एक शराब की बोतल पीते रहते हैं, जब कुछ देर पीने के बाद आप नोटिस करते हैं कि आप वो कप और बोतल के साथ एक हो गए, तो मतलब यू आर गॉन। इसका मतलब यही कहा गया है कि ये दिस इज़ आप जब वो इंटॉक्सिकेशन में फंस के वहाँ पे रह गए। तो बोथ क्राइस्ट एंड लॉर्ड बुद्धा दोनों ने ही कहा है कि हम इन अ सेंस हम इंटॉक्सिकेटेड हैं, मतलब हम वो मादकता में ही रह रहे हैं, मतलब नशे में रह रहे हैं। हमें जो नेचर से हमें किस तरह से हम इंटॉक्सिकेटेड हैं, विथ नेचर, ब्यूटी, विथ फ्लैश, सेक्स, आर बॉडीज, मनी, फूड, प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, और बहुत कुछ ऐसे ही हम इन सब चीज़ों से इंटॉक्सिकेटेड हैं। तो फिर बताया गया है, फिर लेखक ने लिखा है कि व्हेन यू परफॉर्म गुड एक्शन, जब आप कोई अच्छी कर्म करते हैं तो आपको बहुत कैपिटल मिलता है जो आपके पिछले ऋणों का भुगतान के लिए मदद करता है। अगर आप मतलब सिर्फ आप एक्यूमुलेट करने पे ध्यान देंगे कि आप सिर्फ जो धन है या फिर जो एक्यूमुलेशन में डेट, आप वो ऋण को ही जमा करेंगे और पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपको जो टैक्सेशन है जो वो 10 गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मांड या अस्तित्व में हम अपने प्रकाश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि अंधकार कम हो। अगर हम जैसे अगर हम बाहर जाएंगे और आकाश की ओर देखेंगे रात को, तो उसमें हमें बिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स दिखेंगे। वो हमें बताते हैं कि वो ऑल प्लैनेटरी और स्टेलर मोशन बिहाइंड ऑल क्रिएशन देर इज़ अ लॉ, एक नियम से सब चल रहा है। यूनिवर्स इज नॉट इन केओस, मतलब ये कोई गलत सलत कुछ भी नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर नियम के साथ ही जो मैथमेटिकली करेक्टेड, मतलब मैथमेटिकली क्रिएटेड यूनिवर्स है। क्योंकि देखिए जो एग्जैक्टली जो हमारे पास आ रहा है, जो सिचुएशन हो रहा है या हमारे साथ जो भी हो रहा है, वो सब एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हो रहा है। फिर लेखक लिख रहे हैं कि एक पर्सन वो क्रिएट्स हिज ओन पीरियड ऑफ इनकार्नेशन, मतलब उसके जो वेलोसिटी एंड चार्ज जो भी उसने मैनिफेस्टेशन में डाला है, उस हिसाब से अपना वो पुनर्जन्म का समय तय करता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसके जो थॉट के हिसाब से जो थॉट्स हैं उसके 5 मिलियन ईयर्स तक ट्रेवल करते हैं, तो वो 5 मिलियन ईयर्स तक वो जन्म लेता ही रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं जब हम दे रहे हैं तो मैग्नेटिज्म है, जैसे थॉट्स हम दे रहे हैं तो उसमें अगर मैग्नेटिज्म है तो कोर को वापस आएगा। और अगर उसके जो सोच हैं वो टोटली स्पिरिचुअल हैं तो वो बिल्कुल वापस नहीं आते, क्योंकि वो मैग्नेटाइज नहीं होते हैं और वो उनको उसके फिजिकल इमोशनल मेंटल बॉडी को उस पर्सन को वापस नहीं आते हैं, वो खुद ही वो कॉस्मिक सेल्फ बन जाता है इंसान। और फिर लेखक लिखते हैं कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारा, जो भौतिक अस्तित्व बहुत सीमित है, मतलब टेरिबली लिमिटिंग लिख रहे हैं। अगर एक पर्सन कॉन्शियस रहता है एस्ट्रल प्लेन में तो वो मेंटल या हायर प्लेन में, तो वो कभी भी फिजिकल प्लेन को डिज़ायर ही नहीं करता है। फिजिकल प्लेन मतलब इनकार्नेशन, तो वो इनकार्नेशन को डिज़ायर ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इमोशनल बॉडी में हैं तो आप एकदम चाइना ट्रैवल कर सकते हैं इन मैटर ऑफ मिनट्स। आपको कोई हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ के लर्न करके आ सकते हैं। जैसे भी एक शिष्य मान लीजिए वो सो जाता है, नींद में वो वेटिकन लाइब्रेरी जाता है और सीक्रेट बुक ऑफ कोई गुप्त बुक ज्ञान क्राइस्ट के बारे में जो लिखा है लैटिन में, वो भी पढ़ के आ सकता है। हो सकता है उसको लैटिन फिजिकल जो उसकी फिजिकल रियलिटी में उसको लैटिन नहीं आता है, बट उस समय उसके दिमाग खुल जाता है और वो उन लैटिन भी समझ जाता है। तो वो बुक्स पढ़ता है और फिर इट कम्स बैक। तो फिर क्यों
कोई रहना चाहेगा इस फिजिकल जो प्लेन में या फिर भौतिक अस्तित्व में, फिर क्यों कोई रहना चाहेगा? क्योंकि इतना लिमिटिंग है कि हम यहाँ पे पागल हैं एंड हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा, तभी हम ये चूज़ करेंगे। बट बहुतों को लगता है कि हम यहाँ पे आते हैं डेवलप पावर एंड एनर्जी डेवलप करके हम भगवान बनने की कोशिश, मतलब यहाँ पे हम एक्युमुलेट करते हैं एनर्जी चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, इसी थॉट में ही हम रहते हैं। कि लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हम कोई एक बिगर मशीन में नट या बोल्ट के तरह हैं, हम कोई एक बड़ी सी सिस्टम में हम एक छोटा अंश हैं। हम लोग इम्पॉर्टेंट हैं, बट मतलब जैसे एक पेड़ को मान लीजिए, पेड़ में हम लोग पत्ते हैं, तो हम इम्पॉर्टेंट हैं, सच्ची बात है, बट पेड़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ रहेगा तो ही पत्तों की एग्जिस्टेंस होगी। तो वी हैव हम लोग क्यों आए हैं ये धरती पे? हम यहाँ पे सर्व करने आए हैं, और हमारी जो सोल है यहाँ पे आज के वो एक रिफाइनरी की तरह काम करता है। मतलब हम बिल्कुल उस रिफाइनरी की तरह हैं जो फिजिकल लेवल में हम कोई रॉ एलिमेंट खाते हैं प्लैनेट में, हम इस प्लैनेट में कोई रॉ एलिमेंट लेते हैं, उसको खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, फिर वाइब्रेशन चेंज करते हैं, वेलोसिटी चेंज करते हैं, इंटेंसिटी चेंज करके उसको रिफाइन करते हैं 100% तक। जो इस एलिमेंट को एस्ट्रल प्लेस्फीयर में अपने इमोशन आइदर पॉल्यूशन या रिफाइनिंग स्पेस विथ इज क्रिएशन, मतलब हम जिस तरह का, हम जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो जैसे हमारे खाने के बाद हम जिस तरह के रेडिएशन या वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से, जिस तरह से हम एमिट करते हैं अपने तरफ से थॉट्स एंड ऑल, इलेक्ट्रिकल जो फोर्स हम एमिट करते हैं, फिर उस हिसाब से ही वो तय होता है, वही रिफाइनरी का तरह रहता है। जब तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा तब तक हमको करते रहना होगा। और फिर लिखते हैं हम यहाँ पे एक महान कार्य के लिए आए हैं, एक महान दायित्व के लिए। तो एक आदमी अगर इनकार्नेट करता है तो एक बॉडी, अगर पहले उसने जो बॉडी बनाई थी अपने पिछले जीवन में, उससे अगर खराब बॉडी प्रोड्यूस करता है तो उसको बहुत सारा टैक्सेशन होता है, क्योंकि नेचर उसने यूज़ नहीं किया या फिर उसने वो नहीं किया जो नेचर ने उन्हें दिया है। तो ऐसे ही जब वो छोड़ के जाता है अपना शरीर, उस समय नेचर उस जो रिफाइंड बॉडी चाहती है उससे, सो दैट वो किसी और स्पिरिट को, किसी एनिमल फॉर्म को कुछ डेवलप कर सके। तो ऐसे कहा जाए तो अगर आपने पिछले जन्मों में अपने 50% अपनी बॉडी को अगर रिफाइन किया था, तो हम नेचर को क्या करेंगे, 50% रिफाइंड बॉडी छोड़ेंगे। तो ऐसा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने क्रूड ऑयल लिया और गैसोलीन बना लिया। तो अब फिर अब नेचर ने आपको क्रूड ऑयल दिया और आपने गैसोलीन बनाया, तो यही प्रोसेस आपका चल रहा है। तो आप नेचर से कुछ एलिमेंट लेते हैं, रिफाइन करते हैं टू मेक योर बॉडी, एंड आप फिर जब आप छोड़ जाते हैं तो नेचर में वो आपके जो हाईली रिफाइंड एलिमेंट्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करके वो मोर रिफाइंड बॉडी बनाता है। मतलब वो नेचर, हम जो यहाँ से लेते हैं, हम जो पंचतत्व से जो भी ले रहे हैं, वो वहीं पर ही वापस आ रहा है। जैसे कहा जाए तो एक इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तो बॉडी डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो एटम्स हैं उसके बॉडी में वो डिसॉल्व नहीं होता है। इवन बर्निंग, हम जब जैसे हमारे जलाने की प्रथा है, वो जलाने के बाद भी वो एटम्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो स्पेस में जाते एक्यूमुलेट होते हैं, फॉर्मिंग अनदर बॉडी, और वो वापस उस इंसान को फिर वापस आ जाते हैं। जब जैसे कहा जाए कि एक जजमेंट डे के दिन होता है, जहाँ पे आपके आपके जो मुंह है, आंखें हैं, कान भी आपके मतलब आके अगेंस्ट आपके विटनेस देंगे या साक्ष्य देंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे जिस दिन आपको जज होगा कि आपने इस सिचुएशन में क्या कहा, आप बोलेंगे कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर आपका मुंह बताएगा कि आपने ज़रूर झूठ बोला है। तो इस तरह का ही हमारा जजमेंट डे होता है। तो ये जो फिजिकल बॉडी कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये और बहुत कुछ प्रिंसिपल का इफेक्ट ही है। मतलब ये कॉज नहीं है बॉडी बनाने का, बट मतलब द बॉडी डज नॉट कॉज थिंग्स टू हैपन, बस एक साया है जो चीज़ों को, हमने जो पिछले जन्मों में जो चीज़ों को किया है उसका बस एक साया है। मतलब यहाँ पे डोमिनेटिंग साइड ये है कि जो फिजिकल बॉडी हमें मिल रहा है, जो इस जन्म में या इस समय जो हमको फिजिकल बॉडी मिल रहा है,
वो एक असर ही है, उससे आगे वो नहीं होता है। मतलब ये हम लोग नहीं कर पाते, ये प्रिंसिपल है। और इफेक्ट इज़ द प्रिंसिपल, इफेक्ट इज़ नॉट द प्रिंसिपल। वो मटेरियल फिजिकल एस्पेक्ट है, ये जो प्रिंसिपल काम करते हैं, हमारी सोच ही है जो मेजर चीज़ डिसाइड करती है। अगर हम इनहेरिट करते हैं, हम जब इस शरीर में आते हैं तो हम दूसरे लोगों के एटम्स भी इनहेरिट करते हैं, और ये हमारा जॉब है तो उन सबको इम्प्रूव करते रहना है। एक जैसा एक पर्सन सोचता है, एक आदमी जैसा सोचता है, उसके एटम्स, मेंटल एटम्स अगर उसके आसपास हैं, मतलब हमने जो थॉट्स लिए हैं और उसको वो मेंटल एटम्स मिले हैं और सर के आसपास हैं, तो वो बहुत क्रिएटिव सोचता है, सुप्रीम, ब्यूटीफुल, हाई वोल्टेज, प्योर थॉट्स होते हैं उसके, और ये एटम्स उसको आगे आगे और बढ़ाने के लिए हेल्प करते रहते हैं। अगर कोई 90% प्योर है तो ये इवन हेलो, जो ऑरा जैसे कहा जाता है, वो किसी का ऑरा भी पढ़ सकता है। वैसे ही कहा गया, जब इंट्यूशनल प्लेन पास करता है एक आदमी, तो वो अपने मेंटल ऑरा को भी छोड़ जाता है, और ये यूज़ होता है मटेरियल टू ड्रेस फॉर समवन एल्स, मतलब किसी और के लिए। हम जैसे जैसे खुद का परिष्कृत शरीर हो, जैसा वो ऑरा छोड़ते हैं, तो वो भी कहीं पे यूज़ होता है। जैसे कि बिब्लिकल, मतलब बाइबल में एक स्टोरी है, एलिजा जब अपना बॉडी छोड़ रहे थे, तो वो अपना जो मेंटल, जो वो कवर है, वो उन्होंने छोड़ दिया अपने शिष्यों के लिए, मेंटल बॉडी उन्होंने छोड़ा। तो वो जैसा ऑर्गेनाइज मशीन में, सो ये फिर कॉस्मिक कनेक्शन, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। बट लोग सोचते थे कि उन्होंने अपना जस्ट कोट ही फेंका, बट ऐसा नहीं है। फिर लेखक लिखते हैं, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, वो अपने बच्चे को अपना फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एटम्स देती है, उनका उस बच्चे का एग्जिस्टेंस के लिए। और जब वो एक आदमी मर जाता है, वो भी फिजिकली, वो भी फिजिकल एटम्स वो दे देता है, और मेंटल, एस्ट्रल प्लेन में एस्ट्रल एटम्स देता है, जब मेंटल प्लेन में मरता है तो वो मेंटल एटम्स देता है। वैसे कहा जाए तो हम यहाँ पे दो रीज़न के वजह से हम धरती पे हैं। फर्स्ट वन इज़ हम कॉस्मिक नेचर को हेल्प करने के लिए, एंड नंबर टू इज़ टू बी रिफाइनरी, मतलब हम खुद को परिष्कृत करने के लिए। इन द मीन टाइम हम अपनी बॉडी को जैसे जैसे इम्प्रूव करते रहते हैं, हमारी कम्युनिकेशन लिंक्स विद हायर रिम्स या प्रोग्रेसिव हायर स्पीयर्स के साथ बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदिवासी का जो बॉडी होगा वो लेस सेंसिटिव टू हायर इम्प्रेशंस रहेगा एक आर्टिस्ट के मुकाबले। एक 12th सेंचुरी के आर्टिस्ट को देखा जाए तो एक आदिवासी का लेस सेंसिटिव रहेगा। तो मतलब हमारी बॉडी जैसे जैसे इम्प्रूव होती रहती है, उसी तरह से हम बेटर कनेक्शन दूसरे स्टार से, हायरकी से, संभाला से, इवन हायर फोर्स के साथ भी बेटर कम्युनिकेशन रहता है। और ये जो प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट चलता रहता है, वो हमारे जन्म दर जन्म, मैंने अवतार दर अवतार हमारा चलता रहता है। अगर आप रियली फॉलो कर रहे हैं प्रोग्रेसिव पाथ, तो ग्रेट सेज का कहना है कि जिसको पाथ ऑफ स्ट्राइविंग कहा गया है, देन आप हर बार अपने पिछले बार की कंपैरिजन पे एक बेटर बॉडी बनाएंगे, और द बॉडी ऑफ ग्लोरी या डिवाइन बॉडी इन द इंट्यूशनल प्लेन। और ये बॉडी इतनी सेंसिटिव होगी कि आपको किसी रेडियो या टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने भगवद्गीता से एग्जाम्पल कोट किया है संजय के बारे में। हम जानते हैं जो संजय सारथी थे धृतराष्ट्र के, उन्होंने उस तरह का उनका प्योरिफाइड बॉडी था कि वो 2000 किलोमीटर दूर बैठ के, मील दूर बैठ के भी, वो महाभारत का जो युद्ध चल रहा था उसकी पूरी क्लैरिटी के साथ उनको विजन था, और वो वही लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा हमेशा मेंशन रहता है संजय वाच करके ही चलता रहता है। तो यही बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इतना रिफाइन किया था खुद को। ऐसे ही बिल्कुल और भी कहते हैं, हेलेना रोरिच, उन्होंने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट, एक्स्ट्रा प्लानिटरी बींग्स के साथ वो अपने जागृत अवस्था में ही कम्युनिकेशन कर पाती थी। तो ऐसा कहा जाए, साल दर साल, जीवन दर जीवन, मनुष्य एक बहुत सुंदर और रिफाइंड और एकदम ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक बनता जाता है। और ये बहुत दिलचस्प है जानने के लिए कि हम ऐसे एक समय से, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ डाइट एंड हेल्थ फूड के ऊपर
ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि उनको फीलिंग है कि जब तक वो रिफाइन प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक बैले डांसर अपनी बॉडी का बॉडी का बहुत केयर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू, उसके बॉडी के थ्रू म्यूज़िक ट्रांसफॉर्म होता है डांस में। इतना बॉडी अडेप्टेड रहता है सो दैट एकदम सिंक्रोनाइज, एक छोटी सी नोट के लिए भी, म्यूज़िक के नोट के लिए उसकी बॉडी सिंक्रोनाइज रहती है, और वो उस तरह के अडेप्टेशन और सिंक्रोनाइजेशन से एक सुंदर एस्ट्रल डांस, देन ए मेंटल डांस और ग्रेट ब्यूटी वो एक्सप्रेस करती है। मतलब हम फिजिकल फॉर्म में जो डांस देख रहे हैं वो अलग है, बट एस्ट्रल डांस, मेंटल डांस, वो सब भी उतना ब्यूटिफुली, जब एक एकम्प्लिस डांसर कहा जाता है उस तरह से वो कनेक्ट करके उस तरह से एक्सप्रेशन आता है। बिल्कुल वैसे ही एक गायक जब वो बहुत अटेंशन अपने गला, वॉइस, वाइब्रेशन पे देता है तो वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? वो सारे ही जो एक्सप्रेशन है, पेन एंड सफरिंग, जो इमोशनल डिज़ायर्स, एनजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, सब उसके वॉइस के थ्रू ही वो कर रहा है। जैसे एक कैट के बारे में कहा गया है, एक बिल्ली जब वो म्याऊ करती है हर जगह पे उसका म्याऊ सर्टेन अलग अलग होता है। जब वो उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको हर्ट हो गया है, उसके म्याऊ अलग है, और जब वो खुशी से अपना खेल रहा है तब उसकी म्याऊ अलग है। तो एनिमल्स ऑल्सो यही प्रिंसिपल, यही कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और कुछ प्रश्नोत्तर हम अगले सेशन में लेंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।